सदगुरु, मैंने आपके लगभग सभी वीडियो देखे हैं यूट्यूब चैनल पर। मुझे लगता है कि मैं उनमें से ज्यादातर चीजों से परिचित हूँ जिनके बारे में आप उन वीडियोस में बताते हैं। परिचित, ठीक है। तो क्या वाकई मुझे इनर इंजीनियरिंग कार्यक्रम में जाना चाहिए? एक बार ऐसा हुआ। शंकरन पिल्ले ईशा लाइफ के महामुद्रा रेस्टोरेंट में गए, चेन्नई में। वहां एक बहुत बड़ा मेन्यू है जिसमें 5-6 पेज हैं। उन्होंने पूरा मेन्यू ध्यान से पढ़ा, फिर पूछा, मैंने पूरा मेन्यू पढ़ लिया है, क्या मुझे कुछ खाने की जरूरत है? आप जानते हैं कि मेन्यू पढ़ने, खाने और भोजन हजम करने, स्वाद का आनंद लेने, उसे पचाने और पोषित होने में फर्क है। YouTube वीडियो रिझाने के लिए हैं, बस आपको थोड़ी गुदगुदी करने के लिए, क्योंकि दुनिया जीवन के प्रति इतनी संवेदनशील नहीं है कि वो स्वाभाविक रूप से कोई गहरी चीज खोजने की जरूरत समझ सकें। आज मैं देख रहा हूं भोजन के ऐप कहते हैं 2019 इस साल की शुरुआत पूरे महीने खाना न पकाकर करें, बस ऑर्डर कीजिए, एक महीना हम आपको डिस्काउंट देंगे, हर दिन आपको जो चाहिए हम सप्लाई करेंगे, आपको एक महीना खाना बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, मेरा मतलब पूरी दुनिया की संस्कृति इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। तो उनके चुनने के लिए मेन्यू बहुत ही लंबा होना चाहिए। अलग अलग तरह के लोग हैं, वो किस तरह के लोग हैं? कोई कॉफी का शौकीन है, कोई चाय का शौकीन है, और कोई बस सुकू कॉफी का। इस तरह से कोई ऐसा है, कोई वैसा। मेरा मतलब है, लोगों ने अलग अलग चीजें अपना ली हैं। तो हम कॉफी के बारे में, चाय के बारे में, सिर दर्द के बारे में, दिव्यता के बारे में, आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के बारे में, मृत्यु के बारे में और जीवन के बारे में भी लिख रहे हैं, क्योंकि आज एक बहुत लंबे मेन्यू की जरूरत होती है सभी का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो आप मेन्यू पढ़कर ये सोचें कि आपको पोषण मिल गया, तो ये दुख की बात है। इनर इंजीनियरिंग एक चरण दर चरण प्रक्रिया है। इसे आपके जीवन में लाने के लिए, इसे आपके दिमाग तक पहुंचाने के लिए YouTube वीडियो ठीक हैं, पर इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए आपको एक शक्तिशाली अभ्यास की जरूरत है। आपको एक गहरे सिस्टम की जरूरत है ताकि ये आपके जीवन की प्रक्रिया का एक हिस्सा बन जाए, ना कि सिर्फ आपकी विचार प्रक्रिया का।